ये खुशी के आंसू है जो 18 साल का सफर इन्होंने तय किया था, आंगन सुना था, और ये सारे लोग जो है शारदा नारायण हॉस्पिटल हमारे यहाँ जितने भी बच्चे ना बहुत सुपर डुपर इंटेलिजेंट है, बहुत सुपर डुपर बदमाश है, क्योंकि उनको होना भी चाहिए इस उम्र में। मजा आता है ना। बुलाने पे कि कब चलेंगे वहाँ, लगता ही नहीं कि हॉस्पिटल है। इतना सफाई, इतना सुरक्षा, और सबसे पहले जब मैं वहाँ से आया है तो सुनील सर से मुलाकात हुई। सुनील सर से मैं बाहर गई थी तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि ऊपर आइए, तो मैडम से मिल तो दीजिए, हम मैडम से मिले हैं। में मेरा जो शादी हुआ था, हम लोगों को तो सबने ही बुला के मैडम और सबने ही बुला के परदोना से लाया। पेपर में हम लोग पढ़े और गए सबसे पीछे, लास्ट में हम लोग गए मिलने। मजे की बात ये रहेगी। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जब ऑपरेशन का हो गया तो मुश्किल से 20 मिनट के बाद हमको अंदर बुलाया गया। आइए अपने बच्चों को देख लीजिए और मैम से बात कर लीजिए। मैं तुरंत फोन लगाया अपने घर में, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं 3-4 घंटा बेहोश रहते हैं, 10 घंटा बेहोश रहते हैं, आज जोर की बात कर रही है, ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। ये भी एक अच्छी बात है। जो सर का गुरु है वही हम लोग के साथ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को। हम लोग यहाँ बुलाए, हम लोग आकर के यहाँ कृतज्ञ हो गए। बाबूजी का तो सबसे ज्यादा हम लोग के आशीर्वाद रहा। जो असंभव चीज था उसको आपने संभव कर दिया है। बाबूजी नहीं थे यहाँ तो हम ज्यादा तो देख रहे थे कि बाबूजी है कब जाऊंगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। बाबूजी जितने भी जो पेशेंट आते हैं उनके लिए पूजा करते हैं। और बोला था पटौना से कि मेरे बाबूजी भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो हमको विश्वास हुआ। हम जब भी हॉस्पिटल तो इसको हॉस्पिटल बोलते नहीं करते, बोलते विष्णु भगवान का मंदिर है। नहीं बिल्कुल सही बात, दिल से बोली हुई बात है आपकी, और वास्तव में ये मंदिर ही है। रुबीना मैम आपका मैम थैंक यू, बहुत थैंक यू। आपकी वजह से मुझे माँ बनने का एहसास ही नहीं होता कि आपको माँ बने। हमारी रुबीना को एक हमने दिया और दूसरा अल्लाह ताला ने खुद दिया। तो कई बार ये बहुत से हमारे मरीजों के साथ हुआ है जिनका पहला तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारी रुबीना है, भले ही पास क्या उद्देश्य देना चाहती है? मातृत्व दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस है, मदर्स डे है, मदर्स डे मनाया जाता है इस खुशी को महसूस करने के लिए कि वी आर मदर। और सही कहा जाता है कि औरत अपने आप को कंप्लीट तभी मानती है जब वो माँ बनती है। तो यहाँ जितने भी कपल्स आए हैं या जितनी भी माँ आई है, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर माँ बनने में कुछ ना कुछ परेशानी थी। बहुत उन्होंने तकलीफें झेली थी, बहुत इलाज कराया है, हम लोगों के पास आए, हम लोगों ने मिल के उन्होंने और हमने मिल के एक तरीका निकाला, इलाज किया। तो आज सभी के घर में गिनती गूंज रही है, सभी के सुने आंगन में
तकनीक रूप सर, ये जैसे अभी ये टेस्टी बेबी सेंटर की स्थापना हुई है उसमें तकनीक रूप से आपने मातृत्व को और समृद्ध और संपोषित किया है। आपके पास तो वो खुशी दुगनी हो गई होगी, वो कुछ मातृत्व की वजह से छोटा सा बहाना है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वो सभी जो कि इस परेशानी से गुजरे हैं और जो आज कुछ है हम सब मिलकर इसको और खुशी के साथ मनाएं। माँ को क्या संदेश देना चाहेंगे, माँ के लिए कोई प्रेरक संदेश दीजिए। माँ है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम हर एक की हर औरत की एक भाषा होती है, चाहत होती है कि हम माँ बने। हम अपने अक्स को जो है हम खुद को अपने बच्चों में देखते हैं। अभी मेरे पास मेरी बिटिया मतलब मेरी बहुत पुरानी बचपन की फोटो है, मैंने वो सारे खुद पर ये देखी कि देखो छोटी सुकृति मेरी बेटी है। तो आप अपने आप को अपने बच्चों में देखते हैं, लेकिन वो उसका एक नियमित रूप से एक लाइन रहनी चाहिए। हमें अपने सपनों और अपनी खुशियों को बच्चों में नहीं डालना चाहिए। मैं बड़ी चाहती हूँ जितने आज जिनको इतने प्यार से इतनी मेहनत से इतनी खुशी से खुशियाँ मिली हैं वो अपनी ड्रीम्स को या अपनी स्कूल या अपनी चाहत को उनके ऊपर ना देंगे।